दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली बैली और रॉकस्टार फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म ने बाजी मारी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं दिल्ली बैली फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दिल्ली बैली सन 2011 में आई एक क्राइम एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में इमरान खान, कुणाल रॉय कपूर, वीर दास, पूर्णा जगन्नाथन, शहनाज केजरीवाला, राजू खेर, विजय राज, जॉन गैब्रियल, लुसिन दुबे और परेश गनात्रा नजर आए थे। इस फिल्म को अभिनव दियो ने डायरेक्ट किया था। इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान, किरण राव और रॉनी स्क्रूवाला ने। इस फिल्म की कहानी अक्षत वर्मा ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म के लिए म्यूजिक राम संपत ने दिए थे, उसके लिरिक्स मुन्ना धीमन, अमिताभ भट्टाचार्य, अक्षत वर्मा और राम संपत ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 1,250 स्क्रीन्स के साथ 1 जुलाई सन 2011 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 23 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 54,84,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 6,08,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 34,74,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 91,20,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2011 की 11वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। अब जानते हैं रॉकस्टार फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। रॉकस्टार सन 2011 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में रणवीर कपूर, नरगिस फाकरी, अदिति राव हैदरी, कुमुद मिश्रा, पीयूष मिश्रा, मोहित अजीज, शम्मी कपूर, शहनाज पटेल, आकाश दहिया और जयदेव अलावत नजर आए थे। इस फिल्म को इम्तियाज अली ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म को सुनील लुल्ला और दिलीन मेहता ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के लिए म्यूजिक ए आर रहमान ने दिए थे और इसके लिरिक्स इरशद कामिल ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 1,950 स्क्रीन के साथ 11 नवंबर सन 2011 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 60 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 68,62,00,000 कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 9,92,00,000 कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 48,35,00,000 कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 109 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2011 की 8वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से रॉकस्टार फिल्म ने ज्यादा कमाई की थी और इसी फिल्म ने बाजी मारी थी। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।